धनतेरस के दूसरे दिन भी बाजार गुलजार रहा। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने खूब खरीदारी की, वहीं पटाखा व्यापारियों के चेहरे भी खिले रहे। वहीं बाजार में व्यापारियों ने बताया कि ऑनलाइन ने कहीं ना कहीं व्यापार में फर्क तो डाला ही है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना लोकल फॉर वोकल है, अगर लोग अपने लोकल के सामान खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को फायदा होगा। बहरहाल जब इस बारे में लोगों और दुकानदारों से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं रामले ग्राउंड में बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और सेकेंडली जितने भी हमारे दुकानदार हैं सब हल्द्वानी के ही हैं, कोई अलहदा बाहर का कोई भी व्यापारी नहीं है। और मैं ठेकेदार के नाते इनको हर चीज़ से सपोर्ट कर रहा हूँ। जो फैसिलिटी हमारी तरफ से दी जाती है, जैसे लाइट की फैसिलिटी हमारी तरफ से दी जाती है, टीन शेड हमारी तरफ से लगाए जाते हैं, वो हमने इनको लगा के दे रखा है। और जो भी पार्किंग की सुविधा है लोग रोड पर खड़ी कर दे रहे हैं, वो गलत है। वो शासन प्रशासन को उस चीज़ में थोड़ा नोटिस करना चाहिए। यहाँ पार्किंग का कुछ भी नहीं है, यहाँ पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करिए, ठीक है। इससे पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो रही है। इस बार बहुत है, और इस बार ये सुन के भी अच्छा लगा कि इधर दोबारा रामलीला मैदान में मतलब पटाखे लगे। पर यहाँ जैसे कि देखने को मिल रहा है, सब डिस्काउंट भी सब अच्छा वगैरह मिल जाता है यहाँ पर। जैसे अगर कहीं और अपने आसपास से ले तो उससे ज़्यादा ही डिस्काउंट मिलता है। और ये है कि थोड़ी भीड़ कम है, जैसे अभी मेरी दुकानदारों से बात हुई है तो वो लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा लोगों की भीड़ कम है। बाकी हम लोगों के लिए तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि पटाखों की तो कोई कमी है नहीं, और मतलब हम तो खुले दिल से ले ही रहे। मार्केट की स्थिति बहुत ही हल्की है इस समय, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन के चक्कर में लगे पड़े हैं। अभी हमें इंसान अब यहाँ के लोगों को अपने ग्रामीण क्षेत्र से सामान लेना चाहिए। अपने सालों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, कह 25 सालों से यहाँ पे हम दुकान लगा रहे हैं। इस तरह नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोकल टू वोकल, अपने लोकल के लोगों से सामान लिए। कहीं ना कहीं व्यापार में थोड़ा सा नुकसान जैसा अभी तक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि सुबह से बिक्री थोड़ी बहुत शुरू हुई। कल तक तो हम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमने दुकान क्यों लगाई है। इतनी बड़ी रकमें लगाने के बाद ग्राहक आने को तैयार नहीं था। और दूसरी बात, थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी मेन ओके होटल वाली जगह है, इसमें अगर पार्किंग की व्यवस्था बन जाए, वहाँ से रास्ता खुल जाए, तो ग्राहक हम तक पहुँच जाएगा। ग्राहक हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि हर त्यौहार दो दो बनाए जा रहे हैं, इससे लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि असली त्यौहार कब है। हर त्यौहार में दो दो त्यौहार रखे जा रहे हैं, जिससे छोटे से व्यापारी, जो छोटे छोटे व्यापारी है, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और छोटे व्यापारी इससे काफ़ी परेशान हैं। लोग बाज़ार जाके सीधे सामान खरीदे, ऑनलाइन ना खरीदे, जिससे छोटे व्यापारियों को फायदा हो सके, उसका लाभ वो उठा सके। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि लोकल टू वोकल, जैसे हमारे जो शहर के व्यापारी हैं, लोकल के व्यापारी हैं, उनको फायदा हो, ऑनलाइन ना होके विदेशी माल ना बेच के अपना भारतीय माल बेचा जाए, जो भारत में ही जिसका निर्माण हो रहा है वही माल बेचा जाए। प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारा पैसा हमारे भारत में ही रहे, बाहर ना जाए। जैसे आप देख रहे हैं हमारा अधिकतर माल चाइना से आ रहा है, देखो चाइना को इतना फायदा हो रहा है, वही माल अगर हमारा बिकता तो हमारा पैसा इंडिया का इंडिया में ही रहता।